सर, जैसे पिछले दिनों काफी एक वीडियो वायरल होती थी कि अचानक कोई कलाकार डांस कर रहा है, अचानक हार्ट अटैक आया, गिर गया, कोई ऑफिस में कोई पर्सन काम कर रहा है, अचानक गिर गया, डेथ हो गई उसकी। तो ऐसे बच्चे आजकल, जैसे जिम है, जिम मैक्सिमम बच्चे 10th के बाद 8th के बाद ही जिम में जाना शुरू हो गए, तो क्या वो जिम उन बच्चों के लिए कहीं हानिकारक है? बहुत ज्यादा हानिकारक है। जिम जो है वो एकदम बहुत ज्यादा फास्ट एक्टिविटी करवाते हैं, जैसे योग और प्राणायाम है वो थोड़ा सा बच्चों के लिए बेटर है, क्योंकि उसमें क्या है कि योग और प्राणायाम में बीच में रेस्ट भी होती है, बहुत ज्यादा बेटर है। बच्चों को जिम में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जिम में जो एक्टिविटी कराते हैं उसपे कार्डियक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, हार्ट के ऊपर जोर पड़ता है, हार्ट के ऊपर जो होता है बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस जो होती है, कार्डियक आउटपुट की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है, उसके लिए बच्चे कोप अप नहीं कर सकते। इसीलिए आपको बच्चे के लिए फिजिक, अगर आपको इसी तरीके की कोई एक्टिविटी करानी है जिसमें मसल स्ट्रेंथ बढ़े, तो योग से बेस्ट कुछ नहीं है। योग जो होता है उसमें स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन, एब्डोमिनल मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स, हार्ट, हर चीज़ के लिए उसके अंदर कोई उसके अंदर हर के लिए एक एक एक्सरसाइज होती है, तो वो करने से बच्चे जो होते हैं धीरे 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 करके उनकी बॉडी जो होती है वो फिट बनती है। जिम जो होता है बच्चों के लिए हानिकारक है, सिर्फ मसल ट्रेनिंग कराते हैं, अदरवाइज जो बच्चे के पूरे विकास के लिए, पूरे विकास के लिए आपकी चेस्ट स्ट्रांग होना चाहिए, आपका लंग स्ट्रांग होना चाहिए, आपका हार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, माइंड स्ट्रांग होगा, आपकी आई शार्प होंगी, आपकी जो फेशियल मसल्स हैं, दांत, हर जब हर बॉडी का सिस्टम जो होता है अपने ऑप्टिमल लेवल पे काम करता है, तब आप जो होगा, आप जो एक बच्चा जो होगा जब बड़ा होगा तो वो मैक्सिमम उसकी जो पोटेंशियल है वो पूरा बाहर निकलेगा। जिम में ऐसा नहीं होता है, जिम जो होता है उनका उनकी जो एक्सरसाइजेस वगैरह होती है वो सिर्फ मसल्स के ऊपर फोकस्ड है, एब्डोमिनल मसल्स, बाइसेप्स मसल्स, इन्हीं के ऊपर फोकस्ड है, तो ये सिर्फ बाहरी रूप से आपके शरीर को देखने में सुंदर बनाता है, बट अंदर से वो शरीर को खोखला करता है। और दूसरी चीज़, जिम में जो ये प्रोटीन पाउडर्स देते हैं बॉडी के बिल्डअप के लिए, उनके अंदर जो प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है वो जो प्रोटीन होता है वो एनिमल प्रोटीन्स होते हैं, और वो इंटेस्टाइन के लिए बहुत डेंजरस होते हैं। मेरे पास आते हैं बच्चे जो जिम के पाउडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं और आगे जाकर के इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं, और उसके बाद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का इलाज बहुत मुश्किल है, उसके लिए आप दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, बिना दवाई के आपका आपकी जो इंटेस्टाइन होती है वो काम नहीं करती है। तो इस तरह के पाउडर्स जो होते हैं वो देते हैं, प्रोटीन पाउडर, जिससे मसल्स जल्दी मसल बिल्डअप करने के लिए। और इसके अलावा उन प्रोटीन पाउडर्स के अंदर स्टीरॉयड होता है, वो स्टीरॉयड्स जो होते हैं वो आपकी हड्डियों को, मांसपेशियों को बहुत कमज़ोर कर देते हैं। तो इसीलिए मेरे हमारे मतलब हम लोगों के हिसाब से एज ए पीडियाट्रिशियन जो हमारी ट्रेनिंग, एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हम तो स्ट्रिक्टली जिम के लिए मना करते हैं, एंड वी एडवाइज कि आप यू गो फॉर योगा, योग प्राणायाम सेहत। श्रीराम हॉस्पिटल में ऐसे भी केस आते हैं बच्चों के जो जंक फूड के कारण या मोबाइल के कारण या जिम के कारण बहुत सारे पेशेंट जो हमारी ओपीडी है ज्यादा सारे बच्चे इसके साथ लैप्रोस्कोपी और ओपर सर्जरी है। हमारे यहाँ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, लैप्रोस्कोपिक ये होती है मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, इसमें होता है कि हम बच्चे को बाहर से चीरा ना लगा के दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं। तो दूरबीन से या तो वो मुंह से दूरबीन का टेस्ट होता है जैसे मैडम एंडोस्कोपी करते हैं, या लैटेंट के रास्ते दूरबीन का टेस्ट होता है जिसको सिग्मॉइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी कहते हैं। इसके अलावा सांस की नली की दूरबीन की जांच होती है जिसमें कि सांस की नली में दूरबीन डालते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि मूंगफली खाते खाते कभी कभी खाने की नली के बजाय सांस की नली में ले जाते हैं, वो जानलेवा होता है। और थोड़े समय में ही अगर बच्चे को अगर वो इलाज ना मिले, वो पीस ना निकाला जाए, तो वो जानलेवा हो सकता है। उस केस में हम इमीडिएटली बच्चे को ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, दूरबीन डालते हैं सांस की नली में और निकालते हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकालते हैं जो बच्चे सिक्का, मूंगफली, बटन बैटरी बहुत डेंजरस है, वो बटन बैटरी क्या करती है पूरे खाने की नली को ही जला देती है। हमारे पास आते हैं केसेस जिसमें बटन बैटरी पड़ी हुई है, उसमें से एसिड लीक कर जाता है और खाने की नली जल जाती है, तो उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। उसमें हम बटन बैटरी एंडोस्कोपी से निकालते हैं। फिर उसके बाद कभी कभी कोई बच्चा पिन खा जाता है, शार्प चीज़ें खा जाता है, पेंसिल सेल एक बच्चे ने खा लिया था, 8 साल के बच्चे ने, वो पेट से निकाला था। फिर एक दो लोग ऐसे भी आए हैं जो 18-19 साल के बच्चे चिकन खा रहे थे, हड्डी गले में फंस गई, इमीडिएटली सांस लेने में दिक्कत हो गई, वो निकालना पड़ा, वो जानलेवा हो जाता है। सभी
उसके अलावा दूरबीन से सर्जरी पेट की, जैसे हर्निया का ऑपरेशन करते हैं, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करते हैं, तो बड़े चीरे की बजाय पेट में दो या तीन छोटे चीरा लगा के हम गॉल ब्लैडर, या फिर कभी कभी बच्चों का अपेंडिक्स, अपेंडिक्स बच्चों में बहुत विकट समस्या है, और ज्यादातर बच्चों में जो अपेंडिक्स आता है वो फटा हुआ अपेंडिक्स आता है, उस केस में ज्यादातर सेंटर में लोग कोशिश नहीं करते हैं कि हम दूरबीन से कोशिश करें और बड़ा चीरा लगा के ऑपरेशन करके निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे कम से कम हम 60-70 से ऊपर केसेस कर चुके हैं जिसमें फटे हुए अपेंडिक्स में हमने सिर्फ दूरबीन से ही, सिर्फ तीन छोटे छोटे चीरे में ही अपेंडिक्स, फटे हुए अपेंडिक्स को निकाला है। इसके अलावा जो है वो एक ऑपरेशन होता है जो पेशाब के रास्ते, दूरबीन डाल के पेशाब के रास्ते का टेस्ट करते हैं। पैदाइशी कुछ बच्चों में पेशाब के रास्ते में रुकावट होती है, उसमें बच्चा जो है वो पैदा होते ही एक तो मुट्ठी बांध लेगा पेशाब करते हुए, जोर लगाएगा, रोएगा, और पेशाब उसकी धार आने की बजाय बूंद बूंद पेशाब गिरेगी। उस केस में फिर हम रंगीन एक्सरे करके डायग्नोज करते हैं कि रुकावट है, और उसके बाद फिर उसकी जो रुकावट को हम दूरबीन के रास्ते हटाते हैं। वो भी हम बहुत सारे केसेस सक्सेसफुली यहाँ पे कर चुके हैं, और उसमें अगर लेट हो तो बच्चे की किडनी फेल हो जाती है और फिर बचाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो है छाती का ऑपरेशन हम लोग करते हैं। ये जो केस जो हमने ये वाला किया है, इसमें बच्चे की छाती इतनी छोटी होती है, उसी में बच्चे का फेफड़े होते हैं, दिल होता है, सांस की नली होती है, खाने की नली होती है, बड़ी बड़ी खून की नसें होती हैं, उन सब में बीच में जाके इतनी छोटी सी छाती में खाने की नली को सांस की नली से अलग करके जोड़ना अपने आप में बहुत बारीकी वाला काम है। तो वो सर्जरी हम यहाँ सक्सेसफुली कर रहे हैं। इसके अलावा छाती के रास्ते के दूरबीन वाले ऑपरेशन भी हम कर रहे हैं कि छाती के ऊपर पूरा बड़ा चीरा होने की बजाय दो या तीन छोटे छोटे छेद करके उसमें छाती के रास्ते में कोई गांठ है या पस बन गई है और छाती बिल्कुल पिचक गई है, फेफड़े को फुलाना है, वो ऑपरेशन भी हम करते हैं। तो छाती के रास्ते का भी हमारा दूरबीन वाला ऑपरेशन अवेलेबल है, पेट का भी, पेशाब के रास्ते का, लैटिन के रास्ते का, खाने के नली का। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वेंटिलेटर पे होते हैं, उनका फेफड़ा पिचक जाता है, उस केस में उनको, और वेंटिलेटर से उनको निकालना मुश्किल होता है, उस केस में हमें बेड साइड ही, ये बहुत ही मुश्किल काम है कि बच्चा ऑलरेडी वेंटिलेटर से मशीन से सांस ले रहा है, उसको वहाँ से हटाना, सांस की नली में जाके उसमें जो प्लग फंसा हुआ है उसको हटा के फिर लेके आना। तो ऐसे कई ऑपरेशन हम कर चुके हैं सांस की नली के दूरबीन वाले, जिसमें कि बच्चा 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए वेंटिलेटर से बाहर ही नहीं आ पा रहा है, उसमें हम लोग जाते हैं दूरबीन से सांस की नली में कुछ सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, और उसके बाद फिर बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं जितने भी केसेस में हमने किया, मोस्टली केसेस में हम बच्चों को वेंटिलेटर से निकालने में सफल रहे हैं। मतलब जो आयुष्मान कार्ड जल्दी अप्लाई करो, काफी गरीब बच्चे होते हैं ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, काम करने ऐसे मिलते हैं, वो ज्यादा लापरवाही भी करते हैं, क्योंकि डर की जांच सब कुछ यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध है। आप भी बोल दो।